क्या छुपा रही है भगवान? मैं सोच रही हूँ, यदि मैं अपने सारे गहने वरदाता बाबा के चरणों में चढ़ा दूंगी तो फिर पहनूंगी क्या? इसे चढ़ाएगी तो 1000 गुना पाएगी। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो सारे गहने चढ़ाई देती हूँ, ये लो। भक्तजनों, चमत्कारी वरदाता बाबा का नाम आज पूरे विश्व में फैल रहा है। बाबा इस कलयुग में साक्षात भगवान का अवतार है। भक्तों को मुंह मांगा वरदान देते हैं। जो भक्त जितनी भेंट चढ़ाता है उससे 1000 गुना उसको मिलता है। आप में से जो कोई भी अपना धन 1000 गुना करवाना चाहता हो वो बाबा के चरणों में अर्पण करें। हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी है बाबा के चरणों में अर्पित कीजिए। बोलिए वरदाता बाबा की की। अच्छा तो ये है कलयुग का प्रभाव, कपटी पाखंडी सफल हो रहे हैं, किंतु सच्चे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति ठगे जा रहे हैं। इनमें चेतना जगानी ही होगी हनुमान, इनमें सच्ची भक्ति की शक्ति का संचार करना होगा, अन्यथा इस प्रकार तो सत्य समाप्त हो जाएगा और केवल असत्य और अनाचार का ही आधिपत्य होगा। नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बंद करो ये जय जयकार, ये वरदाता बाबा नहीं पाखंडी है, पाखंडी। ये धर्म और सत्य के नाम पर कलंक है, बंद करो ये पाखंडी है, पाखंडी। बंद करो ये जय जयकार। वरदाता बाबा की जय, 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 गुरुदेव, छोड़ दो मुझे, तुम सब पाखंडी हो, छोड़ दो मुझे। गुरुदेव, मुझे मत छुओ। गुरुदेव, मैं कौन हो तुम? कौन हो तुम? गुरुदेव, इन लोगों ने आपको बंदी क्यों बनाया? बोलिए गुरुदेव,
क्योंकि मैंने इन लोगों के पाखंड का विरोध किया था, इन लोगों के पाखंड का विरोध किया था मैंने। गुरुदेव, परंतु आपने विरोध क्यों किया? क्योंकि ये लोग धर्म से भी निकले हैं, सदाचारी जनमानस में अनाचार, असत्य और लालच का बीज आरोपण कर रहे थे। इतनी यातनाएं सहकर भी आप इन लोगों का विरोध करते रहे? आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। तुम अवश्य मेरे कोई शुभ चिंतक लगते हो। हाँ गुरुदेव। कौन हो तुम? मैंने तो आपको पहचान लिया। क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हनुमान, आपका प्रिय शिष्य हनुमान। गुरुदेव हनुमान? हाँ हनुमान। हाँ गुरुदेव। नहीं 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 नहीं, तुम भी कोई पाखंडी हो सकते हो। नहीं 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 गुरुदेव, मैं आप में पुनः वो दिव्य शक्ति का संचार करूंगा। मैं आपकी सोई हुई शक्तियों जगाऊंगा गुरुदेव, मैं आपकी सोई हुई शक्तियां जगाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान गुरुदेव। हनुमान हनुमान गुरुदेव। हनुमान, कलयुग के स्पर्श मात्र से मेरी सारी दिव्य शक्तियां लुप्त हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान न सका। परंतु तुम्हारे स्पर्श से मेरी सारी दिव्य शक्तियां पुनः लौट आई। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। इस पाखंडी ढोंगी वरदाता बाबा को अब मैं अपनी लीला का परिचय कराता हूं। आइए गुरुदेव। गुरुदेव, देख रहे हैं कलयुग का प्रभाव। हनुमान, इन दिनों पृथ्वी पर चारों ओर कलयुग का प्रभाव है। मनुष्य की मति भ्रमित हो गई है, वो केवल स्वार्थ का दास हो गया है। हनुमान, आतंक और लोभ उसे अधिक प्रिय हो गए हैं। ये वरदाता बाबा भी इसी कलयुग की देन है। कलयुग के स्पर्श मात्र से दिव्य शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, दिव्य आत्माएं प्रभावहीन हो जाती हैं। फिर ये तो साधारण मनुष्य हैं। गुरुदेव, इन भोले भाले मनुष्यों को इस वरदाता बाबा के पाखंड से मुक्त कराना ही उचित रहेगा। आइए गुरुदेव। Yeah!
वरदाता बाबा, जिसे आप सब लोग अपना भगवान मानते हैं, परंतु ये भगवान नहीं, पाखंडी है, आपको ठगने आया है। इसकी लुभावती बातों में आकर आप सब अपना धन, अपने आभूषण इसे दे रहे हैं, परंतु ये आप सब लोगों का धन और आभूषण लेकर भागने की योजना बना रहा है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो वो देखिए। नारायण 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 नारायण, देखिए देखिए अपने वरदाता बाबा की करनी। नारायण नारायण। भक्तजनों, ये अवश्य कोई ढोंगी पहरूपिया है जो हनुमान के वेश में यहाँ आया है। ठहरो, मैं अभी अपने प्रताप से इसको भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। हम क्लीम 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 हम क्लीम 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 क्ली